नमस्ते भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है योगा विद अमित में। मैं अमित नामदेव और आज हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका वैद, जो हम योगा साथ में करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति में जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग नाक से सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली पेट को यूज़ करते हुए, तो ऐसे दिखता है। तो हमें सांस को लेना नहीं है, सांस अपने आप अंदर जाएगी, आपको केवल फोर्सफुली सांस को छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लेके आएं, आँख को बंद करें, अपनी बैक सीधी रखें, और थोड़ी देर अपने सांस प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप सांस पेट से ले रहे हैं या छाती से। हमें ट्राई करना है कि सांस पेट से ली जाए, ताकि जो भी सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजन में, वो हम सारे ऑब्जर्व कर सकें। अभी एक गहरी सांस भरें पेट में और धीरे से सांस छोड़ें। एक और लंबी सांस भरें और धीरे से सांस को छोड़ें। और अब एक लंबी सांस लेते हुए स्टार्ट करें। सांस को छोड़ें, एक लंबी सांस अंदर लें और धीरे से सांस को छोड़ दें। और थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठें। दूसरा राउंड करेंगे। एक लंबी सांस अंदर लें, धीरे से सांस को छोड़ें एक और लंबी सांस अंदर लें और धीरे से सांस को छोड़ें। और अब लंबी सांस भरते हुए स्टार्ट करें। सांस को छोड़ें, सांस को अंदर लें और धीरे से सांस को छोड़ें। और फिर ध्यान मुद्रा में बैठें थोड़ी देर। तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। एक गहरी सांस अंदर लें, सांस को धीरे से छोड़ें, एक और लंबी सांस अंदर लें
धीरे से सांस को छोड़ें। अब एक लंबी सांस भरते हुए स्टार्ट करें। सांस को बाहर छोड़ें, एक लंबी सांस अंदर लें और धीरे से सांस को छोड़ें। ध्यान मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और रेस्ट करें। तो ये था आपका कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। 72,000 जो रोग हैं, जो प्रॉब्लम हैं, वो दूर रहेंगी अगर आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, कोई भी बीमारी रहने दो, रोग रहने दो, आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। ऐसे ही 3 राउंड आप कर सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, और आप 72,000 बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आशा है कि आपने भी मेरे साथ ये प्राणायाम करा होगा और आप भी अच्छा महसूस करेंगे आप। और आशा करता हूँ कि आप रोज़ ये प्राणायाम करें, कम से कम 1 महीने तक करेंगे तो आपको फ़र्क दिखाई देगा कि कैसे ये प्राणायाम इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो ट्राई कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योगा विद अमित में ज्वाइन किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियंका वैद्य को भी कि उसने योगा विद अमित में ज्वाइन किया। और धन्यवाद आपको। नमस्ते।